हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो है ना वो टाइम हो चुका है 7:20, और आज है मेरी घर जाने की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछले ब्लॉग के थ्रू कि मेरे देवर की शादी है, तो देवर की शादी के लिए मैं जा रही हूँ घर। तो सुबह सुबह मतलब ट्रेन जो है ना वो मेरा दोपहर का ट्रेन है, और अभी आप देख सकते हो 7:30 बजे ही उठ के मैंने यहाँ पर आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, साइड में चाय बनने के लिए रख दी है, और फटाफट से काम करती जा रही हूँ। अभी अंधेरा अंधेरा जैसा ही दिख रहा है, और ढेर सारी पैकिंग वगैरह लेट नाइट हमने कर ली थी, सो पैकिंग वगैरह भी हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है। सो मैं और वैभव ही ट्रैवल कर रहे हैं, हस्बैंड जो है ना वो बाद में आएंगे। लाइट थोड़ा कम लग रहा है ना, चलो मैं थोड़ा लाइट ऑन करती हूँ। सो हस्बैंड जो है ना वो बाद में आएंगे, और फटाफट से काम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना भी है, हस्बैंड के लिए खाना बना के रखना भी है, और पैक करके भी ले जाना है। सो इनके लिए खाना वगैरह मैं कचौड़ी पूड़ी और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सो सबसे पहले अपने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आलू जैसे उबल जाएंगे वैसे ही पूड़ी और सब्ज़ी बना लूँगी, और साथ में कचौड़ियाँ बना लूँगी, ले भी जाऊँगी और हस्बैंड के लिए बना के भी रख दूँगी। चलिए, अच्छा ये चीज़ दिखाती हूँ, ये क्या है जो मैं लेके आई थी मार्केट से। सब्जियाँ वगैरह फ्रिज से निकाल के मैंने धुल ली है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये एक फ्लावर पॉट समझ लो, चाहे तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, या फिर एज अ गमला भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का है ये। बट अभी मैंने इसमें पानी फिल करके और मनी प्लांट के लीव्स वगैरह इसमें डाल दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, और इसको देख के एकदम माइंड में पीस भी आता है। लोग अक्सर इसको अपने मेडिटेशन वगैरह की जगह पे रखते हैं, ताकि देख के मन शांत रहे और हरा भरा सा माहौल रहे। ये प्लास्टिक का है फुल ऑन फुल, मिट्टी भी भर के आप इसमें लगा सकते हो, पानी वगैरह भी लगा सकते हो। ये चीज़ देखो, सबको ये वाला मेरा मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको मैंने टूटे हुए कप में पानी फिल करके और इस तरीके से लगाया हुआ है। सर्दी वाली पैंट पहन ली? अच्छा मम्मा देखो, मैंने बैग वगैरह जो है ना वो रात में ही पैक करके रख लिए थे। ट्रॉली बैग फुल पैक हो गया है, बाकी और कपड़े वगैरह पहनने के लिए साइड से निकाल के अलग से रख लिए हैं। ये देखो वैभव भी सुबह से ही उठ गए। क्या कर रहे हैं बेटा, कहाँ चलोगे? दादी बाबा के यहाँ। झूठ मूठ के अपने भी बैग तैयार कर लिए हैं चुपचाप से, जबकि ये बैग ले जाने वाली नहीं हूँ मैं, फिर भी चुपचाप से बैग भर के तैयार कर लिए कि ये मेरा बैग है, वो मम्मा का है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन कौन से बैग ले जाएंगे? एक अपना बैग। हाँ बैग। एक मेरा बैग, मम्मा। हाँ ये पापा पकड़ लेंगे, और ये सिर्फ ट्रॉली में और पर्स ही ले जाने वाली हूँ मैं, ये सब फालतू में भर ले। ये देखो फटाफट से मेरी चाय बन गई है, हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, और आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तब तक चाय पी लेते हैं, उसके बाद आलू छीलते हैं। तो ये देखो बनके खाना तैयार है, ये है हमारी पूड़ियाँ। चौड़ियाँ गाइस, अभी 11 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ तैयार, और बाकी बैग वगैरह भी सारा कुछ रेडी हो गया है, और अब हम निकलने वाले हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और ट्रेन का सूट थोड़ा बहुत करूँगी, वो आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सर जो है ना वो भी तैयार होने अभी बाकी है। वैभव को देखो, वैभव इधर देखो, वैभव कहाँ जा रहे हो? दादी बाबा के इधर तो देख के बताओ, चश्मा लगा के जाओगे? हाँ कैसे?
ऐसे। अरे वाह, तो कह दो गाइस मिलते हैं कल। गाइस मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। ओहो बाय बाय बोल दो। बाय बाय बाय। और रख क्या रहे हो उसमें? बस कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था क्या क्या चीज है। तो चलिए चलते हैं सफर की तरफ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।